there, welcome or welcome back to my channel. This is Parneet. I hope you all are doing good. So today in this video lesson, we are going to discuss 20 common errors. जदों आपां स्पीकिंग दिनियां या फिर राइटिंग लिखते हैं है ना राइटिंग मॉड्यूल या स्पीकिंग मॉड्यूल दे विच ए वालियां एरर साडे तो कई बार हो जांदियां ने है ना जिवें आपां कहंदे हुंदे आ ना इट इज़ अ टाइपोलॉजिकल एरर कोई चीज़ प्रिंट हुई है मतलब टाइप करते करते कोई एरर होगी सेम वे ये एरर साडे तो जां तां बोलदे बोलदे हो जांदियां ने या फिर लिखते लिखते हो जांदियां ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये एरर्स करते हैं एंड यस ये वीडियो बनाउन दा मेन मोटिव की है बिकॉज आई केम अक्रॉस दीज एरर्स ऑन डेली बेसिस जो मैं अपने स्टूडेंट्स की स्पीकिंग लेनी है या राइटिंग चेक कर दी उदो मैं लग्या कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ एरर्स ने जो कॉमन कर रहे हैं सो डैट मैं सोचिया कि क्यों ना एक वीडियो बनाइए कि सारे अवेयरनैस मिले कि यह जड़िया ने कॉमन एरर्स ने तुम इन्हों अवॉयड करो वेदर यू आर गिविंग यूर स्पीकिंग और राइटिंग इन एसे लैटर और टास्क वन क्लीयर सो अज आप इन्हों डिस्कस करेंगे आई होप थोड़ी क्लीयर होगी एंड तुम भी की करोगे एग्री करोगे या फिर खुद अपने आप में सिचुएशन इमेजिन करोगे कि मैं भी ये गलतियां करना एंड यस गाइज जी थोड़ा ये चीज़ा कॉमन लगिया मीनस तुम एरर्स नहीं भी कर रहे फिर भी तुम इस वीडियो में देखो बिकॉज फिर तुम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे कि ये चीज़ मैं उत्थे देखी सी उत्थे सुनी सी फिर तो वो एरर थोड़े तो बिल्कुल भी नहीं होएगी प्रॉपर वे दे विच एक तरह एलीमीनेट हो जाएगी ठीक है सो वॉच दिस वीडियो वेरी प्रिसाइजली वेरी केयरफुली टिल द एंड सो डैट ये जो कॉमन एरर्स ने इन्ना करके तो एटलीस्ट बैंड स्कोर डिडक्ट ना हो सके ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ओके नंबर वन इज हुन जो एग्जामिनर ने स्पीकिंग पूछा इंट्रोड्यूस करने लिए कहा या फिर पूछा वट इज योर नेम तो कदे भी इस तरह स्टार्ट नहीं करना माई सैल्फ ठीक है सानू की होंगे छोटे होंगे तो ना सानू एक मतलब साढ़े दिमाग दे विच लगा लो या पता नहीं की चीज़ होंगी है कि सानू हुंदा वड्डे वड्डे हैवी वर्ड्स असी यूज करिए सो डैट जिहड़ा सामने वाला परसन है वो इंप्रैस हो जाए है ना बट उत्थे असी एग्जामिनर नूं इंप्रैस करन जरूर जा रहे हैं बट एक गलत वे दे विच नहीं एक राइट वे दे विच इन अ राइट एंड एक्यूरेट मैनर तो जो भी वो तुहानू पुछे वट इज़ योर नेम या इंट्रोड्यूस करन दे लई कहे तुसीं कदे भी माई सैल्फ जिवें मैं कहा माई सैल्फ परनीत ये इंट्रोड्यूस करन दा बहुत गलत तरीका है ठीक है तुसीं इस तरह नहीं करना तुसीं की कहोगे माई नेम इज परनीत कौर तो फुल नेम तुसीं प्रोवाइड करोगे बिकॉज वो तुसीं तुहाडी एग्जाम दी स्पीकिंग है ओके नंबर टू इज उन्हें तुहाडी प्रोफेशन बारे पूछा या फिर तुहाडे रिलेटिड उन्हें कुछ पूछा टैल मी मोर समथिंग अबाउट यू फिर तुसीं अपना जे कितने काम किया या कर दे वो भी तो दसोंगे है ना अपने वर्क प्लेस बारे दसोंगे जो तुसीं स्टूडेंट नहीं हो जी टी स्टूडेंट हो फिर तुसीं की करोगे आई वर्क इन अ बैंक मतलब कितने भी कर दे उहदे लई इन वाला प्रपोजिशन नहीं यूज होएगा तुसीं की यूज करोगे आई वर्क फॉर अ बैंक फॉर अ बैंक ये चीज़ का ध्यान रखियो नंबर थ्री ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन मिसटेक है ना आई मस्ट से कि सेवन स्टूडेंट्स आउट ऑफ टेन ये मिसटेक कर ही जाते हैं राइटिंग दे विच मेनली यूज होंगे एवरीबडी यूज होंगे या फिर एवरीथिंग भी यूज होंगे ठीक है ये नाल भी सेम चीज़ है एवरीथिंग दे नाल कदे भी आर नहीं आता सेम वे एवरीबडी दे नाल कदे भी आर नहीं आता इनू असी सिंगुलर दे विच काउंट करते हैं तो एवरीबडी जिथे भी वर्ड आएगा वो सिंगुलर चीज समझ के गल करोगे आर नहीं आएगा सेम वे हैव नहीं आएगा एवरीबडी इज एवरीबडी हैज सेम वे एवरीथिंग इज एवरीथिंग हैज चेंज्ड नॉट एवरीथिंग हैव चेंज्ड ठीक है बहुत कॉमन एरर है ध्यान दो तुसी बहुत ज्यादा गलती इस दे विच करदे भी होवोगे फोर्थ इज She is married with a doctor. ठीक है हुण तुसीं तुहानूं कोई क्यू कार्ड आया किसी परसन रिलेटिड सैलैबरिटी रिलेटिड तुसीं उहदे बारे थोड़ा जिहा ब्रीफ दे विच दसण लग गए एग्जामिनर नूं बट फिर उत्थे तुसीं गलती करती तुसीं की क्या प्रपोजिशन तुसीं गलत लगा रहे हो तुसीं कह रहे हो शी इज़ या फिर कोई भी फेवरेट सैलैबरिटी फेवरेट एक्ट्रेस ओ मैरिड टू अ डॉक्टर है ना इदां बोलना नॉट मैरिड विद अ डॉक्टर ठीक है मैरिड विद एन इंजीनियर इदां नहीं होना मैरिड टू अ डॉक्टर इस तरह बोल के आना क्लीयर ओके फिफ्थ इज एवरी स्टूडेंट्स लाइक द प्ले ठीक है राइटिंग दे विच तुहानू बहुत ज्यादा काम आएगा हुण देखो जिहड़ा एवरी वर्ड है ना वो यूज होएगा हर एक बच्चा इहदा मतलब इत्थे ए हो रहा तो इत्थे स्टूडेंट्स नहीं आएगा ये गलत है ये सेंटेंस आएगा एवरी स्टूडेंट लाइक्स तो हुण हर एक बच्चा एज अ सिंगुलर असीं गल कर रहे हैं तो एस या ई एस आ जाएगा द प्ले द वीडियो द लैक्चर कुछ भी सो एवरी स्टूडेंट लाइक्स द प्ले लाइक्स द लैक्चर क्लियर ओके नंबर सिक्स इज
यस गाइस इतना इतना कॉमन है ना ये तो तुम स्पीकिंग के बीच आएगा ही आएगा कि यू कार्ड बोल रहे हो या फॉलोअप्स बोल रहे हो उसे बहुत ज्यादा से यूज कर दिया वन ऑफ माय डैश है ना या फिर इट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स है ना वन ऑफ माय फेवरेट्स टीचर बोल दो या प्ले बोल दो या फूड बोल दो या कुछ भी तुम बोल दो फ्रेंड बोल दो है ना उस टाइम पे वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होंगे इट इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसा आएगा वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स ठीक है इस तरीके यूज करके होना है सेवन इज ये भी बहुत ज्यादा बच्चे कमिट करते हैं मिस्टेक वो हमेशा चिल्ड्रंस यूज करते हैं चिल्ड्रंस नहीं होंगे चिल्ड्रन होंगे बिकॉज जो चिल्ड्रन है वो ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है ठीक है मतलब बहुत ज्यादा बच्चे ने उन्होंने चिल्ड्रन कहेंगे असी नॉट चिल्ड्रंस इतने ध्यान देना एथ इज ये भी कॉमन मिस्टेक है कभी भी पीपल इज नहीं होंगे पीपल आर होंगे बिकॉज जो पीपल है उन्हों असी प्लूरल दे विच काउंट करते हैं तो वो हमेशा आर आएगा नॉट इज ओके नाइन्थ इज चेंजेस हम जो चेंज की गल आती है कोई राइटिंग का एसे क्यों ना आया तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करनी है या फिर क्यू कार्ड आया उस टाइम तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करनी है उसे चेंजिस इज इनएविटेबल या चेंजिस इज इंपॉर्टेंट चेंजिस है जरा एक प्लूरल दे विच काउंट होंगे तो वो कभी भी इज नहीं आएगा हाँ जो कला चेंज है फिर इज लिख सकते हो चेंजेस के नाल हमेशा आर आएगा क्लियर ओके टेंथ इज ही इज माय कजन ब्रदर है ना हूँ तेन कोई भी क्यू कार्ड आया तुसी कह रहे हो कि आई वेंट देयर विद माय कजन ब्रदर आई वेंट देयर विद माय कजन सिस्टर किसी पिकनिक की गल हो रही है या फिर लाइब्रेरी जाने की गल हो रही है या कुछ भी करने की गल हो रही है जो भी कजन वर्ड आता मीनिंग ही होंगे कजन मतलब तो कजन ब्रदर या सिस्टर तो ब्रदर या सिस्टर नहीं आता सिर्फ कजन आएगा आई वेंट देयर विद माय कजन आई वेंट टू द लाइब्रेरी विद माय कजन ठीक है ही इज माय कजन तो ब्रदर या सिस्टर बिल्कुल भी नहीं आएगा क्लियर सो गाइस बिफोर मूविंग फर्दर आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू जी हूं तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन जे तुसी इस तरह करोगे मैनू भी मोटिवेशन मिलेगी एंड यस जे तुहानू वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल लग रही है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन ताकि सारे नॉलेज मिल सके वो भी अगर आईएलएस लिए प्रिपेयर हो रहे हैं आईएलएस का पेपर उन्होंने देना है तो एटलीस्ट ये मिस्टेक्स तो हूँ ना करके ओके नैक्सट इलेवेंथ इज आई एम कीन ऑन लिसनिंग म्यूजिक ये भी तुम्हें बहुत ज्यादा काम आएगा हम देखो तुम्हें इंट्रो के बीच ही पूछ लेंगे अबाउट म्यूजिक डू यू लाइक म्यूजिक है ना या म्यूजिक के रिलेटिड होर कोई क्वेश्चन तो हमेशा जो भी म्यूजिक की गल आती है तो लिसन की गल आती है वो होंगे लिसन टू म्यूजिक और लिसनिंग टू म्यूजिक सो इट इज इनकरैक्ट इट इज करैक्ट तुम लिसनिंग टू आई एम कीन ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक आई लव लिसन टू म्यूजिक तो लिसन टू और लिसनिंग टू म्यूजिक होंगे इनू तो तुम चाहे रट्टा मार लो और लर्न इट बाय हार्ट कि भी करो ये तुम्हें पक्का आएगा ही आएगा पक्का इस क्वेश्चन में इनकाउंटर करोगे फाइनल एग्जाम के मेक श्योर ये गलत नहीं होना चाहिए ओके नैक्सट ट्वेल्थ इज आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस टू डेज हूँ देखो तुम्हें कोई भी आया क्वेश्चन आया तो होम टाउन के रिलेटिड आ गया है ना या फिर उम्मीद कोई क्यू कार्ड आया जिद इदा का कुछ यूज करना पै रहा उ जो तो टू डेज वगैरह की गल आती है मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम की गल नहीं आती उदो असी सिंस नहीं फॉर यूज करते हैं है ना हो सकता है डेट या ईयर होंगे फिर असं सिंस यूज कर लेंगे बट एक करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर टू डेज है ना फॉर टू ईयर्स इस तरीके नाल आएगा थर्टींथ इज यस ए वाला तो मस्ट है फॉर द जीके स्टूडेंट्स अगर जीके स्टूडेंट्स इसमें देख रहे हो पे फुल अटेंशन हियर ठीक है देखो हूँ जो लैटर राइटिंग करते हो लैटर राइटिंग एंड लैटर एंड करना होंगे उसे ये लाइनस यूज करते हैं मोस्टली असं फॉर्मल एंड सैमी फॉर्मल लैटर यूज करते हैं वैसे इनफॉर्मल भी यूज कर सकते हो अपने फ्रेंड में भी कह सकते हो ठीक है उत्थे तुसी लिख देने हो आई लुक फॉरवर्ड टू हीयर फ्रॉम यू और आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू है ना इस तरीके नाल असी लिख देने हां गाइस कदे भी हीयर और मीट नहीं हुंदा इट इज अ रोंग सेंटेंस की होएगा आई लुक फॉरवर्ड टू हीयरिंग फ्रॉम यू आई एन जी उत्थे तुसी लगा दिया ना आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू आई लुक फॉरवर्ड टू हीयरिंग फ्रॉम यू ठीक है हीयरिंग आएगा इत्थे विद आई एन जी गाइस इट इज मस्ट लेटर आएगी तो एंड दे विच एंड तो उन्हूं करना ही पड़ेगा तो उत्थे गलती ना करके आओ ठीक है नैक्सट 14 इज आई एम गोइंग टू होम कोई भी क्यू कार्ड तुम बोल रहे हो बोलना पै गया देन आई केम होम देन आई एम गोइंग टू होम या कुछ भी ठीक है तो गोइंग टू होम नहीं होंगे आई एम गोइंग होम आई केम होम नॉट आई केम टू होम आई कम टू होम टू नहीं आएगा आई एम गोइंग होम और आई कम होम ठीक है इस तरीके नाल आएगा 15 इज
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਏਜ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਇਜ਼ 60 ਈਅਰਸ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ 50 ਈਅਰਸ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਈਅਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਏਜ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਓਲਡ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ 60 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੱਲਾ। ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਇਜ਼ 60 ਈਅਰਸ ਓਲਡ, ਓਲਡ ਪੱਕਾ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਫਾਈਨ, ਓਕੇ, ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ, 16 ਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ, ਹਾਊ ਆਫਨ ਡੂ ਯੂ ਗੋ ਫੋਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਮਾਲ। ਨੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ ਦਾ ਮਾਲ। ਜਦੋਂ ਨੀਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਲੋਜ਼, ਤਾਂ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਮਾਲ ਔਰ ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ ਦਾ ਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਊ ਆਫਨ ਡੂ ਯੂ ਗੋ ਫੋਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਆਫਨ ਗੋ ਫੋਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ, ਆਈ ਗੋ ਫੋਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਟਵਾਈਸ ਅ ਵੀਕ ਐਸ ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ ਦਾ ਮਾਲ ਔਰ ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਮਾਲ। ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ। 17 ਇਜ਼ ਯੂ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ 2 ਈਅਰਸ ਬਿਫੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈ ਅੰਕਲ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ 2 ਈਅਰਸ ਅਗੋ, ਨਾਟ ਬਿਫੋਰ, ਇਟਸ ਅਗੋ, ਅਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਗਾਈਸ, ਇਹ ਨਾ ਟੂ ਕਨੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਕਿਉਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਾਈਡ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਸਾਈਡਸ ਆਏਗਾ ਵਿਦ ਐਸ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਬਿਸਾਈਡ ਇਟ, ਬਿਸਾਈਡ ਦਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਏਗਾ ਬਿਸਾਈਡ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਇਜ਼ ਬਿਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਬਿਸਾਈਡ ਦਿਸ। ਫਾਈਨ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਾਈਡਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਇਟ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਸਾਈਡ ਦਿਸ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ, ਮੀਨਸ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਇਸ, ਡੋਨਟ ਡੂ ਦਿਸ, ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਐਰਰਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਓਕੇ, 19 ਇਸ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਪੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਦਰ ਅਤੇ ਔਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਦੇਖੋ, ਵੈਦਰ, ਵੈਦਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਦਰ ਡਾਊਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਦਰ ਹੁੰਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਓਕੇ, 20 ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ, ਦੇਅਰ, ਸੋਰੀ, ਦੇਅਰ, ਦੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੈਨ ਦੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 20 ਹੀ ਨੇ। ਦੇਅਰ, ਦੇਅਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਅਰ, ਦੇਅਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਗਾਈਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਅਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਨਾਊਨ, ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਦੇਅਰ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇਅਰ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ TH ER ਹੀ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਜੀਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਉਦੋਂ TH ER ਦੇਅਰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫੋਰ ਟੂਡੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਫੋਕਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਡਿਡਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟਸ, ਐਨੀ ਕੁਆਰੀਜ਼, ਡੂ ਰਾਈਟ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਯੈਸ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਯੂਸਫੁਲ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
एंड यस गाइस मैनू ये भी लिख के दसो कि तुसी तुहाडे चो कौन कौन इन्हां चो मेन गलतियां केड़ियां ने जिहड़ियां तुसी कमेंट कर दिओ. ओके स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.